दोस्तों 30 तारीख यानी 30 मार्च को जिन बच्चों का ऑन डिमांड एग्जामिनेशन था वो एग्जाम अब कैंसिल हो गया है। तो कब होगा आइए देखते हैं। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल साहब, मैं हूं आपका एजुकेशन डॉक्टर अमरीक सिंह। ब्रिलियंट एकेडमिक सॉल्यूशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों 30 मार्च यानी जो हमारा रामनवमी जिस दिन पड़ रही है उस दिन बच्चों के ऑन डिमांड एग्जाम थे NIOS के अंदर। उनकी हॉल टिकट पर वो डेट उनकी बुक हुई थी, परंतु रामनवमी की छुट्टी पड़ने के कारण वो एग्जाम कैंसिल कर दिए गए हैं। अब वो एग्जाम जो है आपका 3 अप्रैल, सेंटर वही रहेगा जिस सेंटर में आपने एग्जाम भरा था, उसी सेंटर पर टाइमिंग भी वही रहेगी, परंतु डेट जो है वो अब आपकी 3 अप्रैल है 30 मार्च की जगह। मतलब अगर आपका पेपर 30 मार्च को था तो अब आपको सेंटर पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एग्ज़ाम सारे कैंसिल कर दिए गए हैं और अब न्यू डेट शीट के अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ाम 3 अप्रैल को हो गया। आपको कोई दोबारा फीस नहीं भरनी है, कुछ नहीं करना है, ये बाय डिफॉल्ट डेट आपकी हॉल टिकट पर चेंज हो गई है। आप दोबारा से हॉल टिकट डाउनलोड करके देखिए, अब आपकी जो डेट है वो 3 अप्रैल आ रही है, जो भी आपका जो एग्जाम था उसके ऊपर। सेंटर वही है, सब कुछ वही है, परंतु डेट जो है वो 30 मार्च की जगह पे 3 अप्रैल हो गई है। तो एग्जाम में जाने से पहले मतलब आप इसको जरूर देखिए और अपने उसी सेंटर पर जाइए जहाँ पे आपका पहले एग्जाम मतलब 30 मार्च को था। और भी एजुकेशन से जुड़ी कोई जानकारी के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी एजुकेशन से जुड़ी खबर हो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप इससे अपडेट रहे। बाकी और भी कोई आपकी अगर एजुकेशन से जुड़ी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर। आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको मैं सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा और साथ ही आप जैसे दूसरे बच्चों की भी हेल्प करूंगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।